परीक्षा के 4 दिन थे, आज दूसरा दिन हो गया है। आखिरी दिन में थारे को पता चलेगा कि जो मैं बोलूं वो सही है। वो छोरी तारे लिए अशुभ है तो है। तो 2 दिन के भीतर मासा मैं भी थारे को इस बात पे विश्वास दिलाऊंगा कि वो छोरी हमारे लिए शुभ है और शुभ ही रहेगी। चालू मैं सॉरी। लाड़े सर के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। केसर विनय जा आंगन में जाके ऐसी रंगोली बना के रजावत हवेली में 4 चांद लग जाए, भर दे पूरे रंग। ठीक है माजी साहब। डोरगी तू रसोई में जा और गेवर की तैयारियां कर, पर हाँ किसी को साथ में लेके जाना क्योंकि तारे अकेले से तो चूल्हा भी ना जलेगा। और उर्मी जी माजी तू रहेगी मारे साथ। माजी साहब आज ना होली ना दिवाली तो फिर किस खास बात की तैयारियां चल रही है रजावत हवेली में? ना ना मारा मतलब है कि इतनी साजो सजावट और इतनी तैयारियां कुछ खास बात ही होगी ना? के कह रही थी वो छुरी मारे अच्छे बेटे में अब उसे अच्छा बिन नजर आवे है, वरना इब मैं साबित करके रहूंगी कि मारा लाड़े सर सिर्फ मारा लाड़े सर है, उनका बिन ना बन सके। 2 महीने से जाने हैं ना हमारे लाड़े सर को, पर 25 सालों से हमारी ममता के साये में बड़ा हुआ है हमारा लाड़े सर। इब मैं देखूंगी कि उनका रूप कैसे छीन सके हैं हमारे लाड़े सर को मारे से। पता है आपको घड़ी घड़ी आपके मूड के साथ साथ और क्या बदलता है? चाय में आपकी चीनी डालने की पसंद ऊपर नीचे होती रहती है वो भी, पर आज मैंने आपके मूड को देखकर सही मात्रा में चीनी मिलाकर चाय बनाई है, पसंद आए तो तारीफ कर लेना। अगर तुझे ऑफिस नहीं आना था तो तू साफ साफ बता देता। बॉस है तुझसे कोई सवाल थोड़ी करता। ये क्या बात होती है कि घर से काम करो? देख शरद मेरी बात सुन। ठीक ही तो रहा हूँ, बल्कि मैं तो आते हुए यही सोच रहा था कि अचानक ये घर को दफ्तर में बदलने का विचार कहाँ से आया। पर सही है, वो क्या है ना कि काम के साथ साथ मन भी लगा रहे तो अच्छा। मुझे ये बताइए कि कल जब आप भाभी साहब को ऑफिस में लेकर आए थे आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे को लगा कि थारे को पता होगा। लगता भी तो खुद ही है ना आपको सब कुछ। कैसा रहा है? तू क्यों हंस रही है? हाँ? अब चाय में जमीन जड़ा के पीऊंगा या चाय लेके रहा और 2 कप लेके आना, नरन भी आ गया। जी। अच्छा ये कुछ सर्टिफिकेट्स आए हैं मिसेस देवी अधिराज रजावत के नाम, देख ले। अगर शरद ने देवी के सामने सब कुछ बोल दिया तो के? अभी तक यही खड़ी है, चाय लेकर आ, क्या हो गया? इन्होंने मेरा नाम बोला देवी अधिराज रजावत तो थारा नाम लेने में दिक्कत है। वो क्या है कि शरद से मैंने कहा था कुछ बात चल रही थी, वो राशन कार्ड पे थारा नाम चढ़वाना है, चौहानों की ना है तू, अभी रजावत खानदान का हिस्सा बन चुकी है ना, तो बस अब जा चाय लेकर आ फटाफट। शरद दरवाजा बंद कर। तो ये राशन कार्ड वाली बात क्यों बोल रहा था भाभी साहब से? ये तो शेयर के पेपर है ना। तो थारे को पता चल गया शेयर के बारे में? पता चल गया मतलब? क्यों तू नहीं चाहता था किसी को बताना? और एक बात बता मुझे,
आज तक तूने अपना बिजनेस, जमीन, ये सब इन्वेस्टमेंट माजीसा के नाम पर की है और तेरे नाम पर कुछ नहीं, फिर अचानक से ये हबीसा के नाम पर शेयर्स क्यों? वो शरद कहना कि मारे को लगता है कि देवी मेरे लिए शुभ है, बस इसीलिए यो शेयर। इसलिए तूने सोचा कि भाभी सा तेरे लिए शुभ है तो इस बात का तू फायदा उठा, उनके नाम पर अपना बिजनेस, अपना ये पैसा सब बढ़ा ले, और उनके बारे में सोचा तूने जो खुद शुभ है? क्यों सोचेगा, तुझे तो बस अपने बारे में और अपनी तरक्की के बारे में सोचना भाई। शरद ऐसी बात ना है शरद। तो कैसी बात है, कैसी बात है भाई? और तू तू कौन है? मैं नहीं पहचान पा रहा हूं भाई तुझे, क्योंकि तू वो अधिराज नहीं रहा जो किसी और के बारे में सोचा करता था अपने से पहले। तू कब इतना खुदगर्ज हो गया यार? पहले तू भाभी सा को जबरदस्ती यहां पर ब्याह कर ले आया, उसके बाद तूने उन्हें काल कोठरी में फेंक दिया, उसके बाद तू उनकी इज्जत करने के बजाय, उन्हें पत्नी का सम्मान देने के बजाय इस घर की नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, और इस सब के ऊपर अब तू उनकी किस्मत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुझमें? और चल मान लिया कि भाभी साहब वाकई में तेरे लिए बहुत शुभ, फिर तू उनसे और उनके परिवार से बदला लेना छोड़ देगा और बोल देगा माजी साहब से कि उनके साथ ये अत्याचार करना बंद करें? नहीं कह पाएगा ना? देख सर, तरह से पहले भी कह चुका हूँ कि मास्टर को पीछे मत लेकर, बर्दाश्त ना होता हमारे से। मास्टर का हुक्म सर आंखों पर, जो गलत बात आज की बात दोबारा मत करियो। गलत बात? तुझे यदि अगर मालूम है ना कि गलत और सही में फर्क क्या होता है, तो जाकर माजी साहब से कह दे कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब गलत है। वो गलत है, पर जो मारे साथ हुआ, मारे परिवार साथ हुआ, तारे को वो सही लगता है? 15 साल पहले जो हमारे साथ, मारे परिवार के साथ हुआ, वो तारे को सही लगता है? चौहान के परिवार ने जो मारी मासा के साथ किया, वो तारे को सही लगता है? मारा बचपन छीन गया, वो सही था? जिस उम्र में मारे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में मैंने इन हाथों से मजूरी की, ईंट पत्थर उठाए, मारे को उसे लगता है? चौहान परिवार ने मारी मासा का सुहाग छीन लिया, मारे सर से मारे बाबा साहब का हाथ उठा लिया चौहान परिवार ने, मारे को वो सही लगता है? मारे को मारी मासा गलत दिखती है, पर उसकी तकलीफ, उसका दुख, उसका दर्द उड़ा दिखे, पर मारे को दिखे कि क्या सही है क्या गलत है, मारे को दिखे शरद, तो मासा की बात दोबारा पीछे मत लेकर आना। अगर इतनी नफरत भाभी साहब उनके परिवार के लिए तेरे मन में है ना, तो मेरे भाई तेरे से एक ही गुजारिश करूंगा कि ये जो उनकी किस्मत को तू अपनी तकदीर से जोड़कर जश्न मना रहा है ना, इसे बंद करते हैं। देख शरद, जितना तू सोच रहा है ना उतना सीधा उतना आसान ना है, 2 और 2 4 ना हो सके। दो परिवारों की दुश्मनी के बीच में फंसी है हमारी भाभी साहब, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो तेरे बारे में इतना सोचती है, इतनी फिक्र करती है, वो तुझे नहीं दिखता? तो अपने फायदे के लिए उनकी किस्मत का इस्तेमाल कर रहा है? अदि देख, अगर तुझमें जरा से भी खुदगर्जी बाकी है ना, तो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना छोड़ दे, और अगर ऐसा नहीं करना है तो उनसे नफरत करना छोड़ दे। फैसला तुझे करना है भाई। आज भी गलती मारी है, मारे को मालूम है थारे से रिश्ता ना है, पर इतना तो बता सको ना कि आज भी गलती मारी है। मारे को ये भी पता है कि दुश्मनी दो परिवारों के बीच में, उसमें देव की गलती ना है, बिल्कुल ना है। वो छुरी खास है, शुभ है मारे लिए, पर मारे हाथ बांध रखे हैं दो परिवारों की नफरत ने, मेरी मासा की जिद ने। शरद जो बोलकर गया बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करूं? ये जो कड़ा है ना, वजन कम है और छोटा भी है, और सोना इसमें डाल के बड़ा कड़ा बना दो, और ये जो हरा और लाल रंग है ना, उसके साथ नीला रंग भी भर दो, है ना? जो हुकुम। ये जो मोतियों वाला हार है ना, उसमें मोतियों सब निकल गए। माजी साहब, झांसी एक विनती थी, हमारा वो ना बोडला टूट गया है,
तो अगर आप उसे बनवा दो तो? जो बिंदनी अपने बिन को न संभाल पाई वो बोरला के संभालेगी, सब नष्ट करे है तो कोई जरूरत ना है बोरला ठीक करवाने की। और वैसे भी घर के कामकाज में सजने सवरने की कोई जरूरत ना है। चल अपना काम कर। हाँ तो भाई साहब, वो जो मोतियों वाला है ना, वो मारे को बहुत पसंद है। सुनिए उदासी हमें सिर्फ और कमजोर करती है। बहुत जल्द दफ्तर के काम से दिल्ली जाने वाला हूँ, तो इस बार मुकुंद भाई साहब के बारे में कोई खुश खबर जरूर लेकर आऊंगा। अब हौसला बनाए रखें। थैंक यू। बहुत काम कर लिया है, हमारी कमर में बहुत दर्द हो। क्या करो? हरिया, ओ हरिया, आपको कुछ चाहिए? अरे को बुलाया मैंने। हरिया कितना है? हरिया एक काम कर, नीचे जा और तेल गरम करके ऊपर ले गया फटाफट मारे कमरे में। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। तारे से कहा यो काम हरिया का है, हरिया करेगा। जा हरिया लेकर आ। रुके आप, आपको ऐसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने आपको के? जैसे मैंने आपको बिना कुर्ते के देखा ही नहीं। कब देखा तने? नहीं, आपकी कमर में दर्द बढ़ जाए उससे पहले आप मालिश करवा लीजिए हरिया से, आपको आराम मिलेगा। तब तक मैं ना बाजार से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आपकी पत्नी हूँ, मालिश नहीं कर सकती तो कम से कम दवाई लेकर तो आ ही सकती हूँ ना। हरिया जा फटाफट तेल गरम करके लेके। रंगोली तो कमाल की बनाई है केसर बिंदड़ी ने, सारे रंग भरती है। जो चाहिए थे वो सारे रंग। उर्मी जी, नाश्ते की तैयारी कर ली? वो बस मैं चाह रही थी। हरिया जी। माँ जी, दौड़ के कटे जा रहा है? माँ जी सब वो हुकुम ने कमरे में तेल मंगाया मालिश के लिए, सो वही लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब तू ना बस तेल लेके जा सके, मारे को ना लगता कि थारे को मालिश करनी आवे है। और वैसे भी सारा काम खराब कर दिया तो ऐसा करियो, तेल मारे को दे, मैं कर दूंगी देबरसा की मालिश। और वैसे भी मैं जानू के कैसे आराम मिले हैं उन्हें। जी उर्मी। जी माँ जी सर। थारे को जो काम कहा है वो कर, नाश्ते की तैयारी कर। आज मारे लाडे सर को मालिश उसकी मासा करेगी। पर माजी साहब मारे होते हुए थे। उर्मी तू नाश्ते का इंतजाम कर, उसके बाद अपनी मासा की मदद करना। ला तेल मारे को दे। इतना टाइम लगे हरियाणा में, आज फटाफट मालिश कर दे। अरे मासा, हरिया पे गुस्सा क्यों कर रहे लाड़े सर? आज मैं मालिश करूंगी। अरे मासा की जरूरत है, तने भारिया है ना, वो मालिश कर देगा, तू जा। नौकर तो मालिश करे हैं, पर जो माँ के आशीर्वाद से और प्यार से जो दर्द कम हुए है वो नौकर के हाथ से ना हुए। और बचपन में तो मैं थारी मालिश करती ही थी, इब की हो गयो। माँ के हाथ के खाने के साथ साथ मालिश से भी जी भर गया। बीजू तरी बिंदड़ी में। अरे मासा तू भी ना। ठीक है मासा आजा, करते मालिश। हमारे कंधे की मालिश कर दे मासा, बस जो कंधे में ही दर्द है।
अरे क्यों हो गया मासा, मालिश ना करेगी तू? ये तू मारी मालिश के काबिल ना रहा। हरिया तू ही कर दे मालिश। जितने रंग भरने थे भर दिए, कोई रंग की जगह ना है। जा, चली जा। सुनाई ना देना। जा। मारे को ऐसा लगे है कि छोरी मारे धंधे के लिए शुभ है मासा, यो यो परिवार के लिए वो शुभ है। पहले वही क्या जो मास्टर ने कहा दास किया, फिर मैं वो क्या जो मैं चाहता था। भेज दिया मारा। कुछ नहीं मासा, वो पूजा करते वक्त देवी से ला गया। छोरी जो है वो अंग्रेजी जाने और विदेशी लोग अंग्रेजी में बात करें तो वो हमारे साथ होगी तो हमारी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। चौहान कभी भी रजावत के लिए शुभ हो सके है मासा। तो दो दिन के भीतर मासा मैं भी थारे को इस बात पे विश्वास दिलाऊंगा, वो छोरी हमारे लिए शुभ है और शुभ ही रहेगी। दिखाई क्यों ना दियो? मारे कहने पर, मारे कहने पर मारे लाड़ीसन ने छोरी को जला दियो, एक भी सवाल पूछे बिना जला दियो। उसके बाद मारे लाड़ीसन ने अपने आप को जला दियो। किसके कहने पर मैं जानना चाहूँ, किसके कहने पर? और उसी जगह पे जला दियो जहाँ वो छोरी को जलाया तो। क्यों क्यों माजिता, माजिता गुस्सा करने से कुछ ना होगा। हाँ फिर जान तो जो मैं तेरे वास्ते पानी लेके आऊँ। पानी से मारे बदले की आग ना बुझेगी। इत तो हमारे लाड़े सर ने अपने आप को जला दियो। उके बाद के करे वो, के करेगा मारो लाड़ी सर? वो छोरी को अपनी बिंदड़ी का दर्जा देगा? ना, जे मैं ना चाहू ना होने दू। मारी ममता कमजोर है पर जरूरत पड़ने पे खतरनाक भी हो सके है।
मोरे छोरे को आगा देना पड़ेगा तो मैं दूंगी, पर जी साबित करके रहूंगी कि वो छोरी अशुभ है, अशुभ है और अशुभ है। चाल देख रहे हो माँ जैसा छुरी की, कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। पर अफसोस की बात यह है कि उसको पता नहीं है आज उसकी खुशी का आखिरी दिन है।